चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और बंगाली गर्ल मणि भट्टाचार्य पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है सौगंध। आपको बता दें कि फिल्म सौगंध का एडवांस बुकिंग बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म 2 मार्च से पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया जाएगा। फिल्म के एडवांस बुकिंग जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब करीब 20 लाख रुपए को पार कर सकती है। आपको बता दें कि निरहुआ की फिल्म के लिए हमेशा ही एडवांस ओपनिंग किया जाता है। फिल्म होली के मौके पर बिहारी दर्शकों के लिए एक भरपूर मनोरंजक फिल्म सौगंध निरहुआ लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार आम्रपाली को छोड़कर निरहुआ मणि भट्टाचार्य के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में निरहुआ का एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ फिल्म के ट्रेलर में मणि भट्टाचार्य का ग्लैमरस अवतार तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर को अब तक करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा बार वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सकती है। वैसे होली के मौके पर पवन सिंह की फिल्म वांटेड भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर प्रोड्यूसर ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि निरहुआ की सौगंध होली के मौके पर भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन निरहुआ की फिल्में हमेशा भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाती।